सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल समाधान चैनल को और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाँ तो दोस्तों, आपका हमारा टेक्निकल समाधान में सभी का हार्दिक स्वागत है। आप जैसे जानते हैं, काले 14 फरवरी कल Xiaomi अपने Redmi सीरीज का एक नया ही फोन लॉन्च करेगा। वो फोन क्या है, चलिए इस बारे में आज इस वीडियो को जानते हैं। कल Xiaomi लॉन्च करेगा सीरीज का दो फोन जिसका नाम है Redmi Note 5 जो चाइना में हाल ही में लॉन्च हुआ था। Redmi 5 Plus वो ही सेम टू सेम फोन वो इंडिया में लॉन्च करेगा और जो फोन उसके साथ लॉन्च करेगा वो है Redmi Note 5 Pro। ये बिल्कुल ही एक अलग फोन और बिल्कुल ही एक नया फोन Xiaomi इंडिया में, पहली बार चाइना से पहले कोई फोन Xiaomi इंडिया में लॉन्च करेगा। तो चलिए इस वीडियो में उन दोनों फोनों के बारे में जानते हैं। पहले में मैं आपको बता देना चाहता हूँ Xiaomi Redmi Note 5 के बारे में। ये एक आपको मिलेगा 18:9 5.99 इंच का फुल HD डिस्प्ले के साथ। इसमें आपको मिलेगा 4000 mAh की बैटरी और आपको इसमें मिलेगा 12 MP का रियर कैमरा और 5 MP का फ्रंट कैमरा। इसमें आपको मिलेगा प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 625 जो Xiaomi का एक बहुत ही पुराना प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन के तरफ से। और इस फोन में और कोई बात नहीं है खास आपको बताने के लिए, तो मैं वापस जाता हूँ। जो मेरा असली इस वीडियो का कॉन्सेप्ट है वो है Redmi Note 5 Pro जिसे Xiaomi कहता है इंडियास कैमरा बेस्ट, मतलब ये कैमरा फोन है इंडिया की तरफ से एकदम कमाल का फोन Xiaomi लॉन्च करेगा कल इंडिया में, जो आपको लाइव इवेंट मिलेगा कल 12 बजे सुबह के। ये फोन में आपको मिलेगा बहुत ही एक्साइटिंग है प्रोसेसर क्वालकॉम की तरफ एकदम बिल्कुल ही नया आया है, वो है स्नैपड्रैगन 636 जो है ऑक्टाकोर प्रोसेसर। और इसके साथ बहुत ही हाईलाइटिंग बात है, इसके साथ आपको मिलेगा 12 MP प्लस 5 MP डुअल रियर कैमरा जो A1 के बाद पहली बार Xiaomi की तरफ से किसी फोन में आपको डुअल रियर कैमरा देखने को मिलेगा। ये एकदम ही पीछे की तरफ से बहुत ही अच्छी दिखाई दे रहा है एकदम आईफोन X की तरह, पर हम इसे कॉपी नहीं बोलेंगे क्योंकि कोई भी फोन कोई भी डिज़ाइन कुछ भी कर सकते हैं, उसका प्राइस इंपॉर्टेंट है, फ़ोन का डिज़ाइन कॉपी नहीं कर सकता, वो उससे पहले कर लिया तो ये कॉपी नहीं हुआ, ठीक है। और बहुत ही हाईलाइटिंग बात, इसमें आपको मिलेगा 20 MP फ्रंट कैमरा। तो आप जानते हैं ओप्पो वीवो कैसे अपनी सेल्फी को लेकर हमेशा ही एक्साइटेड रहते हैं, उसके अलग से कोई फ़ोन सेल्फी की तरफ से अभी सामने नहीं आया एकदम बजट प्राइस में। तो Xiaomi एक ही अकेला जो पहला एक ब्रांड बन जाता है जो ओप्पो वीवो को कड़ी टक्कर देता है, वो आपके सामने दिखाई देगा एकदम। ये एक बहुत ही यूनिक फोन है 20 MP फ्रंट कैमरा के साथ और आपको इसमें होगा 18:9 का एकदम लेटेस्ट चीज जिसे Xiaomi कहता है 18:9 फुल विजन फुल डिस्प्ले। ये आपको मिलेगा 5.99 इंच का फुल HD डिस्प्ले और इसके साथ आपको मिलेगा 4000 mAh का बैटरी। और जो कुछ हाइलाइटिंग है आपके स्क्रीन पर आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर इसे देख सकते हैं। ये एकदम लेटेस्ट न्यूज़ है, ये है Xiaomi Redmi Note 5 Pro और ये है आपके सामने मैं दिखाई देने जा रहा हूँ Xiaomi Redmi Note 5। आपको अगर पैसा कम है तो आप ये फ़ोन ले सकते हैं, अगर आपके पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप ज़रूर से Xiaomi Redmi Note 5 Pro को लीजिए, क्योंकि ये प्रो सुन के ही आपको मालूम चल जाएगा कि ये एक बहुत ही कमाल का फ़ोन है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, एक ये एक कन्फर्म न्यूज़ है कि कल Xiaomi यही दो फोन लॉन्च करेगा। इसके साथ Xiaomi और एक आइटम लॉन्च करेगा जो है Xiaomi Mi TV, तो उसके बारे में मैं कभी और वीडियो में बात करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।